गर्मा गर्म मजेदार मसालेदार धनिया के पराठे इस सर्दियों के सीजन में आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए एकदम से नरम और लच्छेदार धनिया के पराठे। सो वेलकम बैक एवरीवन टू श्रद्धाज होम कुकिंग। चलिए हम आज बनाएंगे ये धनिए के पराठे। आप इस तरह से सर्दियों के दिनों में आराम से इसको खा सकते हो। बाहर की वेदर देख के एकदम इतनी ठंड सी थी, आज तो अभी तक धूप भी नहीं निकला था, एकदम कोहरा छाया हुआ था चारों तरफ, पूरा फॉगी डे विंडी डे। जैसे हम तो ऐसे दिनों में इस तरह की जो स्पाइसी पराठे है ना बहुत अच्छे लगते हैं गरम गरम अदरक वाली चाय के साथ। तो चलिए आप इस तरह से जरूर ट्राई कीजिए। धनिए देखिए इतने फ्रेश धनिए आजकल मिल रहे हैं मार्केट में। गांव में तो अपने अपने घरों में इतने अच्छे धनिए होते हैं ना, तो आप इस तरह से पराठे धनिए आटे के साथ बना के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ धनिए के पत्ते ले लिए हैं जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, और फिर इसको अभी चॉप कर देंगे छोटे छोटे पीसेस पे। देखिए अगर आपको धनिया पसंद नहीं है तो सेम तरीके से आप मेथी के पराठे, बथुए के पराठे, अलग अलग साग के पराठे आराम से हम लोग बना सकते हैं विंटर में। तो यहाँ पे 2 कप आटा 1 कप पानी ले लिया, और अभी हम मसाले इसमें डालते हैं पहले आटे में। तो 2 कप आटे में हम 2 चम्मच बेसन डालेंगे। तो बेसन डालने से इसका अलग सा ही एक फ्लेवर होता है। आप इसमें छत्तू भी डाल सकते हो, जैसे कि कहते हैं ना ब्रेकफास्ट में थोड़ा प्रोटीन खाना अच्छा है, तो बेसन तो हमारे एकदम दाल की पाउडर, इससे अच्छा प्रोटीन और क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हमने 2 हरी मिर्ची ले ली, उसको हमने बीच में से स्लिट कर लिया था, फिर उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। मैं ना सीजर से ही काटती हूँ, मुझे थोड़ा आसान हो जाता है, आप चाकू से भी काट सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक ले ली, उसको छोटे छोटे इस तरह से कद्दूकस कर लिया ये श्रेडर से। तो अदरक का भी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें, और सर्दियों का सीजन है, अदरक से तो बहुत ज़्यादा गर्माहट भी होती है, गुड फॉर हेल्थ। तो 2 मुट्ठी भर के मैंने धनिया डाल दी। आपको अगर ना आप अगर चाहे तो इसमें छोटे छोटे पीसेस का ऑनियन भी डाल सकते हो, प्याज भी डाल सकते हो, तो मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं सिर्फ इसको सिंपल इस तरह से बना रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन। तो अब अजवाइन को क्या करेंगे ना, इससे आधे चम्मच के जैसा अजवाइन है, इसको इस तरह से अपने हथेलियों में इस तरह से उसको रब करके फिर आप उसको डालिए। देखो अजवाइन बहुत डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, तो इस तरह की जब कोई भी पराठे बनाओ ना, थोड़ा सा अजवाइन डाल दो, फ्लेवर में भी बहुत अच्छा होता है। ये घर की कुटी हुई अपनी धनिया के पाउडर और जीरा का पाउडर और हल्दी का पाउडर, तो सारे चीजें मैंने आधा आधा चम्मच लिया है, आधा चम्मच जीरा का पाउडर, आधा चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची का पाउडर और आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी। तो आप अपने हिसाब से डालिए, आपको थोड़ा कम ज़्यादा मसाला पसंद हो तो उस हिसाब से डालिए, क्योंकि हमने हरी मिर्च डाला है। ये जो मिर्ची मैंने डाली थी ये मैंने कश्मीरी मिर्च डाली थी जो एकदम स्पाइसी नहीं होती है। तो पहले हम इस तरह से सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को ना अच्छे से मिक्स कर लीजिए, उसके बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के आटा गूंथ लेंगे। नॉर्मल आटा जो हम घर पे रोटी के लिए गूंथते हैं सेम वैसे ही बनाना है, बस ध्यान रखिए आप एकदम से पूरा पानी मत डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके डाल के आप इसका एक आटा बना लीजिए। एक चीज का ध्यान रखना, आप इसको ना थोड़ा सा टाइट डो बनाएंगे हम, ना ज्यादा नरम डो नहीं बनाएंगे इसमें, क्योंकि क्या होता है कि ना ये धनिये जो है उसको नमक लगते ही ना वो उसका अपना पानी छोड़ने लगता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा उसमें कम पानी ही इस्तेमाल करेंगे, मतलब टाइट डो बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ना लगभग मेरी 1 कप और 1 चम्मच पानी लग गया है 2 कप आटे में, और ये देखिए हमने अपना डो बना के रेडी कर लिया टाइट डो। देखिए पहले का 1 कप पानी पूरा यूज हो गया और दूसरे कप में से ऑलमोस्ट 2 चम्मच जैसा ही इस्तेमाल हुआ है। तो ध्यान रखिएगा पानी ज़्यादा मत डाल दीजिएगा, इस तरह से आप ढक के 5 मिनट रख दीजिए।
तो इससे आपके आटे जो है ना बहुत अच्छे से नरम हो जाएंगे। अभी देखो आपको दिखाती हूँ मैं, देखिए जो मैंने कहा था टाइट दो बनाना, अभी देखो कितना नरम हो गया है ये, क्योंकि सारे धनिए जो है ना नमक मिलते ही अपना पानी छोड़ने लगता है। तो टाइट दो बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4-5 मिनट बाद जब आप इसको बनाएंगे रोटी तो ये आराम से नरम हो जाएगा। तो अब हमने सारी लोइयां बना ली। 2 कप आटे से हमारी देखिए 6 रोटी आराम से बन रही है, 6 पराठे। तो आप इसको थोड़ा सा इस तरह से आटा का डस्ट करके आराम से एक रोटी बना लीजिए। देखो मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ आसान सा, कैसे आप इसको लच्छेदार बना सकते हो। एक तो आप इसको इस तरह से नॉर्मल अपने रोटी की तरह बेल लीजिए, फिर इसको आप डायरेक्टली सेक सकते हो घी में, तेल में, या सूखा भी। आप किसी सब्जी के साथ खा रहे हो तो इसको सूखा सूखा बनाइए बिना तेल के, और फिर उसको सब्जियों के साथ खा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है वैसे भी। तो मैं यहाँ पे चाय के साथ पीऊंगी, तो मैं इसको थोड़ा सा मजेदार दाल बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल में आधा चम्मच घी डाल दिया, और फिर इस तरह से एक परत अपने रोटी में, थोड़ा सा तेल और थोड़े से आटे के साथ इस तरह से अच्छे से इसको फैला देंगे, तेल और इस आटे के मिक्सचर को। इससे क्या होता है ना, हमारी जो आटा है ना, रोटी जो है ना, बहुत अच्छा वो बन जाता है, एक लच्छेदार हो जाता है। तो इस तरह से हमारी जो पराठे हैं, चलो हम इसको अच्छे से बेल लेते हैं अभी। तो हमने दोनों तरफ अच्छे से अंदर के तरफ अच्छे से तेल लगा लिया, फिर उसको फोल्ड किया हाफ, उसमें भी थोड़ा सा और तेल लगा लिया, फिर से हमने उसको एक और फोल्ड किया, और लगभग 4 फोल्ड किया उसको। तो अभी देखिए हमारी ट्रायंगल वाली पराठे बन गए हैं अच्छे से। इस तरह से आप ज्यादा उसको थिन भी मत रखिए, ज्यादा थिक भी, मतलब ज्यादा मोटा पराठे भी मत बनाना, ज्यादा पतला भी मत बनाना। देखिए एकदम परफेक्ट हमारे ट्रायंगल पराठे। अभी इसको हम सेक लेंगे। यहाँ पे मेरी तवा चढ़ा दी थी, मेरी तवा ऑलरेडी गर्म थी, तो उधर मेरी अदरक वाली चाय भी बन रही है। तो यहाँ पे हम पहले ध्यान रखिए, जब भी आप कोई भी पराठे इस तरह से बनाते हो ना, एक तरफ से सीख जानी चाहिए लगभग 1 मिनट जैसा, या 30-40 सेकेंड, और फिर उसमें तेल लगाइए। डायरेक्टली तेल मत लगाइए, एक तरफ से थोड़ा सा पका लीजिए, फिर आप उसमें तेल लगाइए, या घी आपकी मर्जी, आप जैसे पसंद करते हो जो भी। और अभी इस तरह से हम दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा, ये जो अपनी घी और तेल वाली जो मिक्सचर हमने बनाई थी वो थोड़ा थोड़ा इस तरह से डाल दिया। तो इस तरह से हम दोनों तरफ से दबा दबा के एक मीडियम आंच पे अच्छे से अपने पराठे को दोनों तरफ से थोड़ा सा लाल होने तक पका लेंगे। थोड़ा टाइम लगता है, जैसे 2-3 से 4 मिनट एक एक पराठे को बनने में, क्योंकि हमें उसको अंदर जो लच्छा हमारा बना है ना, लेयर्स जो बना है ना, वहां तक पकाना है, इसलिए हम थोड़ा सा दबा दबा के धीमी आंच पे पकाएंगे। तो देखिए हमारी एकदम से बन के रेडी है धनिया के पराठे मसालेदार, और देखिए कितने आसान से बन गया है हमारा ये पराठा। और इसको आप चाय के साथ एंजॉय कीजिए। मैं आपको यहाँ पे तोड़ के दिखाती हूँ कैसे दिखता है ये अंदर से, जो हमने लेयर बनाए थे। देखो कितने सुंदर से इस तरह से हमारे 4 लेयर बने। तो इस तरह से लच्छेदार पराठे आप आराम से घर में बना सकते हो, और कितना नरम भी हुआ है, आप इसको देख सकते हो, एकदम सॉफ्ट हुआ है, एकदम सॉफ्ट हुआ है इसको। तो ध्यान रखिएगा, आप जब आटा गूंदेंगे ना, आटा को आराम से 5 मिनट तक अच्छे से गूंदिए, 4 से 5 मिनट तक, तो आपके पराठे बहुत सॉफ्ट निकलेंगे। प्लीज इस तरह से आप ये धनिया के पराठे ट्राई कीजिए मसालेदार, और आपको ये पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड कमेंट कर दीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट।